अगर आपकी भी आर्म्स का साइज स्टक हो गया है या फिर बढ़ नहीं रहा है, जैसे एक पॉइंट पे आके स्टक हो जाता है और बढ़ता नहीं है, तो ये एक्सरसाइज तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारा आर्म्स का साइज इंक्रीज करने में। देखो तो मेरी बॉडी में सबसे बेस्ट पार्ट है मेरी बॉडी का आर्म्स, तो ये वाली एक्सरसाइज जरूर ट्राई करना अपने वर्कआउट में। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जैसे एक पॉइंट आता है ना हमारा, जैसे आर्म साइज मेरा भी आया था एक बार बहुत पहले, जब मेरे 13 इंचेस पे, जैसे तुम फोटो में देख सकते हो, आर्म साइज स्टक हो गया था और बहुत टाइम हो गया मेरे को वर्कआउट करते हुए और मेरा आर्म्स का साइज नहीं बढ़ रहा था। तो ट्रस्ट मी 100% वर्क कर सकती है ये वाली एक्सरसाइजेस अपने वर्कआउट में ऐड कर। तो तुम फोटो में मेरी आर्म्स का साइज पहले देख सकते हो और अब देख सकते हो काफी इंप्रूवमेंट है आर्म्स का साइज इंक्रीज करने में। 3 मसल्स होंगे मेन, ट्राइसेप, बाइसेप और फोर आर्म, जिससे तुम्हारी आर्म्स में एक बिगर लुक आएगा और साइज बड़ा लगेगा। ये वाली वीडियो एंड तक देखना और कोई एक्सरसाइज मिस मत करना, काफ़ी हेल्पफुल होगी तुम्हारे लिए। और मैं खुद ये वाली सारी एक्सरसाइजेस करता हूँ जो मैं तुम्हें अभी बताऊँगा, तो शुरू करते हैं और बढ़ाते हैं अपनी आर्म्स का साइज। तो आ जाओ वीडियो में, एंड तक देखना वीडियो को। गाइस फर्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी ट्राइसेप के लिए क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। तुम वार्म अप कर लेना अच्छे से, उसके बाद परफॉर्म करना एक्सरसाइजेस। शोल्डर विड्थ पे पकड़ना है हमको बार, ठीक है, जैसे हमारी शोल्डर विड्थ ऐसे। मैं करके बता देता हूँ, पहले अपनी लोअर चेस्ट के असला ना और अप। स्टार्टिंग में तुम फर्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो इसके तुम 4 सेट करना 8-12 रेपिटेशन के साथ। इसके बाद तुम धीरे धीरे वेट इंक्रीज कर सकते हो, जैसे अपने अकॉर्डिंगली तुम उठा लेना। शोल्डर विड्थ पे पकड़ना है तुम्हें बार को, अप और स्लो डाउन, लोअर चेस्ट के पास लाने की कोशिश करना और अप। लोअर चेस्ट के पास लाना और ट्राइसेप पे फील करना अच्छे से, कॉन्टैक्ट करके मसल को और पूरा स्ट्रेच देंगे। इस एक्सरसाइज ने भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया मेरे ट्राइसेप का मसल्स ग्रो करने में। हम 3 ट्राइसेप करेंगे और 3 बाइसेप और 1 4 आर्म्स, जिसमें ट्राई सेट होंगे 4 आर्म्स के। तो अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं ट्राइसेप की, हमारी और मेरी फेवरेट एक्सरसाइज होगी ट्राइसेप के लिए सेकंड स्कल क्रशर्स। तुम मैं डंबल स्कल क्रशर करूँगा, बार से भी कर सकते हो तुम, इजी बार से जो जिगजैग वाली बार होती है उससे भी तुम कर सकते हो, पर मैं डंबल से करूँगा क्योंकि इस पर ज़्यादा स्ट्रेच मिल जाता है मुझे। और तुम इसको फ्लैट बेंच पर भी कर सकते हो और थोड़ा सा इंक्लाइन करके भी कर सकते हो, जैसे कि मैं करके बताता हूँ अभी। अपनी बैक पे कर्व रखना और शोल्डर रिट्रैक्ट पीछे को, ऐसे बाहर को मत छोड़ना, रिट्रैक्ट और डाउन, स्लो डाउन पूरा स्ट्रेच के साथ और कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से, फुल स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट, फुल स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट। ये स्कल क्रशर एक्सरसाइज मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है अपने ट्राइसेप के लिए, तो तुम इसको भी अपने वर्कआउट में ऐड करना और करके बताना कैसी लगी तुम्हें। इसके तुम 3 सेट कर सकते हो, 12-12 रेपिटेशन, हर सेट पे 12-12 रेपिटेशन। तुम इसको थोड़ा सा इंक्लाइन करके भी कर सकते हो, इतना सा इंक्लाइन तो थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेच मिल जाएगा तुम्हें, जैसे कि तुम देख सकते हो अभी। शोल्डर रिट्रैक्ट पीछे को और बैक पे कर्व, पूरा नीचे आ जाना, अप अप अप। तो तुम फ्लैट बेंच पे भी कर सकते हो और इंक्लाइन बेंच पे भी कर सकते हो, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है स्कल क्रशर। पहले मैं इजी बार से करता था तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेच नहीं मिलता था, डंबल से मेरे को ज़्यादा स्ट्रेच मिलने लगा तो मैंने डंबल पे शिफ्ट कर दिया यार। मैं खुद अपने वर्कआउट में यही एक्सरसाइज करता हूँ, तो तुम इसको वर्कआउट में ऐड करना और बताना कैसी लगी। तो गाइस अपनी लास्ट और थर्ड एक्सरसाइज है ट्राइसेप की बार पुश डाउन, तुम रो पुश डाउन भी कर सकते हो ये वाली, ठीक है, बट मेरे को पर्सनली बार ज़्यादा अच्छी लगती है, अब पता नहीं क्यों। तुम दोनों में से जिगजैग बार और मतलब इजी बार जैसी और स्ट्रेट बार कोई भी कर सकते हो दोनों में से किसी से भी, मैं इससे करूंगा। तुम हैवी वेट उठाना थोड़ा जितना हो सके, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ तुम्हें, स्ट्रेट खड़े होना है, डाउन 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 पूरा स्ट्रेच करना। एक तुम ऐसे कर सकते हो, अपनी एल्बो वहीं पे लॉक रखना बॉडी की स्ट्रेट और फोर आर्म्स ही मूव होगा तुम्हारा सिर्फ, और शोल्डर ऐसे बाहर को, एक तुम ऐसे कर सकते हो और दूसरा तुम ऐसे भी कर सकते हो। इसके तुम 4 सेट करना और 12-12 रेपिटेशन चारों सेट पे, काफ़ी मज़ा आएगा तुम्हें इसको करने में, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये वाली एक्सरसाइज भी। तो बात करते हैं अपनी ट्राइसेप, यहीं पे ख़त्म हो गया हमारा, ठीक। बाइसेप की फर्स्ट एक्सरसाइज है
वो होगी नॉर्मल बारबर कर्ल्स, ठीक है, बेसिक, स्ट्रिक्ट टू बेसिक, तो बेसिक बेस्ट है और मैं भी यही करता हूँ, तो ये तुम्हें कर नहीं कर रहे हैं स्टार्टिंग में, या तुम इजी बार से कर सकते हो या तो इस बार से भी कर सकते हो। इसकी तुम्हें 4 सेट करने हैं 8 to 12 रेपिटेशंस के साथ, ठीक है, ऐसे साइड से भी देख सकते हो तुम। इजी बार से भी करके बता देता हूँ मैं तुम्हें, यहां से पकड़ना बार को और अप स्लो डाउन, अप अब छोड़ो, देखो बेसिक पे ही रहना है हमें, कोई फैंसी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, वो वाली कर्ल या लेट के कोई कर्ल, ठीक है, इजी बार या तो नॉर्मल बारबेल कर्ल्स, ठीक है, स्ट्रेट बार से, ठीक है, इसके 4 सेट और 8 to 12 रेपिटेशंस के साथ। तो गाइस अपनी सेकंड एक्सरसाइज है बाइसेप के लिए इंक्लाइन कर्ल, ज़्यादा नीचे मत रखना बेंच को, सिर्फ इतना सा, और बॉडी से पीछे तुम्हारी आर्म्स होगी और अप सिंगल सिंगल भी कर सकते हो तुम। इसके तुम्हें 3 सेट करने हैं 10-10 रेपिटेशंस के साथ। बढ़ते अपनी लास्ट बाइसेप की एक्सरसाइज की तरफ। तो गाइस अपनी बाइसेप की लास्ट एक्सरसाइज है हैमर कर्ल्स, ये तुम्हें करने करने हैं ट्राइसेप और बाइसेप के बीच में ब्रेकियल मसल होता है जो तुम्हारे फोर आर्म्स तक जाता है, तो ये तुम्हें करना ही करना है। तुम सिंगल सिंगल भी कर सकते हो, ज्यादा मूवमेंट मत करना एल्बो पे, डबल भी कर सकते हो और चाहो तो तुम ऐसे वाला भी कर सकते हो। इसके तुम्हें 10 to 15 रेप्स करने हैं 3 सेट पे हैमर कर्ल्स, और ये मेरी फेवरेट है बाइसेप की, तो ये तुम्हें करनी करनी है, ठीक है, ज्यादा मूवमेंट मत करना, इतना ही वेट लेना जितना तुम स्टेबल होके कर सकते हो। क्या बोलते हैं इसका, पिन व्हील कर्ल्स बोलते हैं वो, जो मैंने अंदर करके बताया जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी फिर से। गाइस मेरा आर्म्स का वर्कआउट नहीं था आज, तो कोई पंप नहीं है, मेरे लेग्स थी आज, मैंने लेग्स की है और तुम आर्म्स का पंप देख सकते हो। और ट्राइसेप का भी, तो तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, पूरा जिम ऑलमोस्ट खाली है, ठीक है, आप ट्रेनर साहब हमारे 10 बजे के बाद तक रुके मेरे लिए, तो कम से कम एक लाइक तो हम डिजर्व करते हैं, तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, और तुम्हें मेरे चैनल की वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर देना, अगर पसंद नहीं आती तो एक लाइक भी बहुत है, और कमेंट करोगे फिर तो मज़ा आ जाएगा, तो कमेंट करना। और लास्ट 4 आर्म्स की एक्सरसाइज बताता हूँ मैं तुम्हें, जो मैं ट्राई सेट करता हूँ 3 सेट एक साथ, ठीक है, मैं क्योंकि फुल आर्म्स ट्रेन करता हूँ, ट्राइसेप बाइसेप, उसके बाद 4 आर्म्स का सिर्फ एक एक्सरसाइज ट्राइसेट, मतलब 3 सेट एक साथ, उसमें मेरा 4 आर्म बहुत पंप हो जाता है, तो मैं तुम्हें वर्कआउट करता हूँ और जो मैं करता हूँ वही तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, तो काफ़ी हेल्प करेगा, और एक लाइक ज़रूर कर देना। तो अपनी 4 आर्म्स की लास्ट एक्सरसाइज है जो ट्राइसेट होंगे 3 सेट एक साथ, मैंने अपनी 4 आर्म्स वाली वीडियो पर भी तुम्हें बता दिया था, बट अब फिर से बता देता हूँ, 4 आर्म्स वाली वीडियो अगर तुमने नहीं देखी तो स्क्रीन पे आ रही होगी और आई बटन पे लिंक है और डिस्क्रिप्शन पे भी, तो उसको जाके चेक कर लेना 4 आर्म्स का साइज ग्रो कैसे करें जल्दी, पर मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ कैसे करनी है, ठीक है, 10 रेप्स रिस्ट कर्ल्स नॉर्मल, अगर ये नहीं है तो तुम नॉर्मल बेंच पे बार पकड़ के भी कर सकते हो, तो 10 रेप्स रिस्ट कर्ल्स होल्ड करके करना, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा बेंच पे ऐसे उठाना मत अपना हाथ, बेंच पे टच रखना, होल्ड स्लो डाउन, होल्ड स्लो डाउन, 10 रेप रिस्ट कर्ल्स और 10 रेप रिवर्स रिस्ट कर्ल करने तुम्हें, जैसे कि ऐसे पकड़ के 10 रेप्स, होल्ड स्लो डाउन, होल्ड स्लो डाउन, होल्ड स्लो डाउन, तो 10 रेप ऐसे हो जाएंगे एक साथ करना ये तुम्हें, और 10 रेप ऐसे, और उसके बाद एक और केबल कर्ल्स करें तुम्हें रिस्ट केबल, तुम ऐसे बैठ के भी कर सकते हो, पूरी फिंगर्स तक जान देना, उसके बाद पूरा रिस्ट बेंड करके 10 रेप्स, इसके टोटल 30 रेप्स 3 सेट एक साथ कंटिन्यू, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे, और 10 रेप तुम ऐसे खड़े होके भी कर सकते हो, और 10 रेप्स तुम्हें कर्ल्स करने हैं फिंगर्स तक जान देना, और पूरा ऐसे बेंड करके रिस्ट कर्ल्स, रिवर्स कर्ल्स और उसका केबल कर्ल्स, 3 सेट 10 10 10 10, मतलब 30 रेपिटेशन एक सेट में, 3 सेट लगातार, और यही होता है हमारा आर्म्स का वर्कआउट खत्म।
तो यही थी आज की वीडियो, फुल आर्म्स का वर्कआउट ट्राई करना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये तुम्हें तुम्हारे आर्म्स का साइज ग्रो करने में। तो मैं मिलता हूँ किसी जल्दी नहीं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। तुम्हारे लिए रात को जिम में वीडियो बनाता हूँ मैं हर सैटरडे। बाय बाय, मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ।